हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 की जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसका जो गद्य खंड है चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, जिसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम विकल्प वाले क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम देंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, कोलकाता, बनारस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बनारस होगा, जिसको बनारस को वाराणसी भी कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? सन 1880, सन 1862, सन 1868। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सन 1880 ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन में है अमृत राय, धनपत राय और गणपत राय। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, धनपत राय। अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गणपत राय और धनपत राय, तो आपको धन याद रखना है और धन से हो जाएगा धनपत राय, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में, दो बैलों की कथा में किस जानवरों को गधे का छोटा भाई कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है गाय, बैल, घोड़ा। यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड में 2 नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पर बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कथा में यानी दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, हीरा पन्ना, हीरा मोती, हीरा चांदी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन होगा हीरा मोती। दो बैलों का नाम क्या था बच्चों? हीरा और मोती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6 नंबर में, प्रेमचंद के अनुसार जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है बैलों को, घोड़े को, ना गधे को। सबसे बुद्धिहीन किसे कहा जाता है? गधे को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में, दोनों बैलों में ज्यादा सहनशील कौन था? सहनशील मतलब सहन करने का शक्ति किस में ज्यादा था? ऑप्शन देखिए, दोनों में, हीरा मोती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर सही होगा, हीरा। हीरा जो था वो अधिक सहनशील उसी में था, सहन करने का शक्ति किस में ज्यादा था? हीरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, छुरी के दोनों बैल किस प्रजाति के थे? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पछाड़ा, पछाई, जर्मन। यहाँ पर सेकंड नंबर आंसर सही होगा पछाई, पछाई जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिए, कांजी हाउस की दीवार टूटने पर सबसे पहले कौन भागा? ऑप्शन में देखिए, गधे, घोड़ियाँ, बकरियाँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा घोड़ियाँ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है चरम सीमा, प्रारंभिक सीमा और सम्मानित। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा चरम सीमा, पराकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 11 नंबर में, कांजी हौज का अर्थ है, पहला ऑप्शन पशु मेला, नेक्स्ट आवारा पशुओं को रखने का स्थान और नेक्स्ट है
पशुओं का इलाज करने की जगह, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, आवारा पशुओं को रखने का स्थान, जहाँ आवारा पशु को जो इधर उधर घूमते रहता है वो आवारा पशुओं को जहाँ रखा जाता है उसी जगह को क्या बोलते हैं, काजी हॉस। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में, काजी हॉस में हीरा मोती ने क्या किया। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, उदास होकर सो गए, उदास होकर बैठ गए, और नेक्स्ट है दीवार गिरा कर अन्य पशुओं को भगा दिया। तो इसका 12th नंबर का आंसर होगा 3rd नंबर, दीवार गिरा कर अन्य पशुओं को भगा दिया, ये होगा उसका आंसर। 13th नंबर देखिए क्वेश्चन, गधे के सीधेपन और सहनशीलता का गुण उसे किस श्रेणी में ला खड़ा करता है। ऑप्शन दिया है देवताओं की, बुद्धिजीवियों की, और नेक्स्ट है ऋषि मुनियों की। तो यहाँ पर 13 का आंसर होगा 3rd नंबर, ऋषि मुनियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में, प्रेमचंद जी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, नाटक सम्राट। तो यहाँ इसका आंसर होगा पहला, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में, प्रेमचंद के अनुसार किसी व्यक्ति को बेवकूफ के स्थान पर क्या कहते हैं। प्रेमचंद जी के अनुसार मूर्ख, गधा, सीधा, साधा। तो इसका आंसर होगा 15 नंबर का सेकंड नंबर ऑप्शन, गधा। प्रेमचंद जी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बेवकूफ के स्थान पर क्या कहा जाता है, गधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर में, गधे को कुलेल करते हुए कब देखा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है जेठ में, बैसाख में, चैत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बैसाख में, इसका आंसर होगा बैसाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, छुरी बैलों को क्या खिलाता था। ऑप्शन देखिए चने का बेसन, गेहूं का आटा, खली और चोकर। इसका ऑप्शन नंबर 3rd इसका आंसर होगा खली और चोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में, एक बार छुरी ने बैलों को कहाँ भेज दिया। ऑप्शन देखिए ससुराल, अपने पड़ोस भाई के पास। इसका आंसर क्या होगा, ससुराल। एक बार छुरी ने बैलों को कहाँ भेजा था, ससुराल में। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में, दोनों बैल अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे। ऑप्शन देखिए सिंग मारकर, चाटकर और शूम कर, लात मारकर। तो इसमें ऑप्शन सेकंड वाला होगा सही आंसर, चाटकर और सूंघ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में, हीरा मोती में भाईचारा क्यों हुआ था। ऑप्शन देखिए बहुत दिनों से साथ रहने के कारण, एक ही जाति के होने के कारण, और लास्ट है दोनों एक ही माँ के संतान थी। यहाँ पर आंसर होगा 1 नंबर, सही होगा आंसर, बहुत दिनों से साथ रहने के कारण इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 21 में, हीरा मोती अपनी थकान कैसे मिटाते थे। ऑप्शन दिया है दीवार में पीठ रगड़कर, एक साथ भोजन करके, एक दूसरे को चाटकर। यहाँ पर 21 का 3rd नंबर ऑप्शन का आंसर सही होगा, एक दूसरे को चाटकर। एक दूसरे को चाटकर हीरा मोती जो है वो अपनी थकान को मिटाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, चौकीदार ने हीरा के साथ कैसा व्यवहार किया। हीरा के साथ चौकीदार कैसा व्यवहार किया था। ऑप्शन देखिए पीठ सहलाया,
सेकंड में है डंडे मार कर मोटी रस्सी से बांध दिया और थर्ड में है खाना खिलाया। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, डंडे मार कर मोटी रस्सी से बांध दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, वो अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? ये बात किसका था, हीरा का, मोती का, ना छुरी का? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 24 में, बैलों को सूखा भूसा मजूर ने किसके कहने पर डाले थे? कौन इसको कहा था मजूर को कि रूखा सूखा भूसा डाल दो? ऑप्शन दिया है झूरी की पत्नी, झूरी के और झूरी का साला। तो ऑप्शन नंबर 1 24 का ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर, झूरी की पत्नी। झूरी की पत्नी ने कहा था कि इसको मजूर को कहा था कि रूखा सूखा भूसा इस पर डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, हीरा मोती को रास्ते में कौन मिला? हीरा मोती को रास्ते में कौन मिल गया था? ऑप्शन देखिए, सांड मिला, कुत्ता मिला, बकरी मिला? ऑप्शन नंबर 1 होगा सांड मिला, पहला नंबर आंसर इसका सही है सांड मिला। और इसको अच्छा से आप जानने के लिए, सब आंसर एकदम करेक्ट करने के लिए आपको इस स्टोरी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने चैनल में इसका जो कहानी है, दो बैलों की कथा, इसका जो सामरी है, इसको हम डाल चुके हैं, आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 26 में, किस दिन भूखे रहने के बावजूद हीरा मोती ने नांद में मुंह नहीं डाला था? ऑप्शन देखिए, जिस दिन उनका पेट भरा था, जिस दिन वे बीमार थे, जिस दिन झूरी ने अपनी ससुराल भेजा था। इसका 26 का आंसर होगा थर्ड नंबर, जिस दिन झूरी ने अपनी ससुराल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में, प्रेमचंद जी ने स्कूल इंस्पेक्टर की अपनी नौकरी क्यों त्याग दी? ऑप्शन देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, और दूसरा है अधिकारियों से झगड़ा हो जाने के कारण, और इसमें और थर्ड में है लेखन कार्य में असुविधा होने के कारण। तो यहाँ पर 27 का आंसर होगा गांधी जी की फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्यकार का सर्वश्रेष्ठ क्या माना जाता है? हिंदी साहित्यकार का उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्या माना जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है नाटककार, आलोचक, कथाकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कथाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर में, प्रेमचंद जी का कहानियों का संग्रह किस नाम से संकलित है? ऑप्शन दिया है मानसरोवर, अतीत का चेहरा, बीजक। इसका सही आंसर होगा 29 का पहला नंबर, फर्स्ट ऑप्शन मान सरोवर। 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आप बच्चों देखिए, गया के घर बैलों को स्नेह करने वाला कौन था? ऑप्शन दिया है गया का शाला, दूसरा नंबर में गया की पत्नी, और तीसरा नंबर में भैरव की बेटी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भैरव की बेटी। तो बच्चों इतने सारे हम आपको बहुकल्पिक वाले क्वेश्चन का आंसर बता दिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।